अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आपका यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज हमने 2.6 जो के पेज नंबर 52 पे है उसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि कैलकुलेट करें सबसे पहले जेड बार, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट ले लें। फिर बी में वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम ले लें। फिर सी में वो ये कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का डिफरेंस ले लें। और डी पार्ट में वो कह रहा है कि नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट ले लें। तो देखते हैं कि नंबर हमारे पास पहला पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट पे हमने ये चारों पार्ट जो है ना फाइंड करने हैं, ए बी सी डी। तो नंबर क्या दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं दिया हुआ। आप इसका कंजुगेट लेंगे, यानी ये जेड के ऊपर बार डालेंगे, जेड बार इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट जब लेते हैं तो रियल पार्ट को नहीं छेड़ते, जो इमेजिनरी पार्ट है अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव काट देते हैं। तो ये आपके पास नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है, बी क्या लेना है कि नंबर और उसके कंजुगेट का सम, नंबर क्या है माइनस आयोटा और उसका कंजुगेट क्या है आयोटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल आया, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब सी पार्ट करते हैं कि नंबर और उसका जो है ना कंजुगेट का जो डिफरेंस है वो हमने लेना है, नंबर क्या है माइनस आयोटा और कंजुगेट क्या है आयोटा, और बीच में हमने माइनस का साइन लगाया तो ये दोनों नेगेटिव्स बन गए, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, यानी दो नेगेटिव नंबर का सम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद डी पार्ट में आप क्या करोगे कि नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट, ये देखें ये नंबर और ये उसका कंजुगेट और प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और प्लस वन आपके पास आ गया। आप देखें कि ये ए बी सी डी पार्ट हमने पार्ट नंबर 4 पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे, 4 पे, सब पे अप्लाई करना है। लेकिन हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 जो है उसमें तो आपके पास जो नंबर है वो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर को गौर से देखें कि यहाँ आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको रैशनलाइज करके ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना सिखाया था। क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को इसके साथ, और ये आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो यहाँ पे 4 2s आर आपके पास कितने आए, 8, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस कितना आ जाएगा, 16 आयोटा। अब माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, और 4 3s आर 12 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस 1 लगा देंगे, और ये माइनस 16 आयोटा और माइनस 6 आयोटा माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे 2 2s are 4 और 4 4s are 16 और आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। तो देखें ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब ये प्लस माइनस माइनस, और माइनस आपके पास क्या है, 12, और माइनस 12 रियल है और 8 भी रियल है, तो 12 में से 8 निकाले तो आपके पास 4 आ जाएंगे, माइनस 4, और यहाँ आयोटा स्क्वेयर की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा ये, और फिर ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि देखें कि माइनस और माइनस प्लस, प्लस 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। अब हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे, यानी रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी अलग, तो माइनस 4/20 और माइनस 22 आयोटा बाय 20। अब 4 1s are और 4 5s are, देखें माइनस 1/5 रियल पार्ट हो गया, और 2 से डिवाइड करें तो 11/10, यानी कि माइनस 11 आयोटा बाय 10, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी कि अब ये जेड ऐसी फॉर्म में है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में।
अब हम इसे क्या करते हैं कि इसका ए पार्ट यानी कि इसका कंजुगेट निकालते हैं। तो कंजुगेट के लिए जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बी पार्ट में कि ये जो नंबर है और उसके कंजुगेट का आपने सम ले लेना है। तो तवज्जो से देखें कि आपके पास नंबर क्या है, ये, और उसका कंजुगेट आपके पास ये है, इनका आपने क्या ले लेना है, सम। अब देखें कि सम अगर आप लेंगे तो ये नेगेटिव है और ये आपके पास जो है ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। और माइनस वन बाय फाइव और माइनस वन बाय फाइव, एलसीएम कितना आया, फाइव, और माइनस वन और माइनस वन माइनस टू बाय फाइव बना, तो ये आपके पास जेड प्लस जेड बार आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार ये आपके पास आ जाएगा, बी पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिए कि आपने क्या करना है, इसी तरीके से बाकी पार्ट जो हैं वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ये आपने क्वेश्चन नंबर जो है फाइव का देखें, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है। अब आप इसका डिफरेंस ले लें, ठीक है, और फिर आप इसका क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।